अमेरिका में बोले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा, भारत में धन का वितरण सही नहीं, कांग्रेस धन वितरण न्यूनतम वेतन के लिए बनाएगी पॉलिसी, इसके लिए हमें सर्वे डेटा की होगी जरूरत। सैम पित्रोदा ने अमेरिकी पॉलिसी का दिया उदाहरण, कहा अमेरिका में 100 मिलियन डॉलर प्रॉपर्टी वाला मरने पर 45% बच्चों को कर सकता है ट्रांसफर, 55% हड़प कर लेती है सरकार, भारत में ऐसी पॉलिसी पर हो बहस। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा के बयान शेयर किया, लिखा कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान ली, सैम पित्रोदा ने मेहनतकशों की बनाई प्रॉपर्टी का 50% छीनने की योजना साफ की। पीएम मोदी का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार हमला जारी, कहा ये आपकी संपत्ति बांटने की गहरी साजिश रच रही, इनके हिडन एजेंडे का खुलासा किया तो गाली देने लगे। अमेठी स्मृति ईरानी ने कहा राहुल के जीजाजी को जगदीशपुर का पता होना खतरनाक, लोगों को सावधान रहने की जरूरत, अब हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत। बीजेपी आज कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ निकालेगी पैदल मार्च, जैसलमेर हाउस से कांग्रेस मुख्यालय तक करेगी विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा यदि प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र की अहमियत पता होती तो वो ऐसे बयान कभी नहीं देते। प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र किया, कहा मेरी मां ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया और दादी ने जंग के दौरान अपना सोना देश को दिया। प्रियंका गांधी ने बंगलुरु की जनसभा में किया पीएम मोदी पर अटैक, कहा आज वो वोट के लिए महिलाओं से ऐसी बातें कह रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं ताकि वो डरकर वोट करें। अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने की मांग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन, 13 राज्यों की 89 सीट पर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। बुलढाणा में सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, कहा उद्धव जी मुझे नीच कह रहे, ये मेरा नहीं किसानों गरीब महिला बहनों का अपमान है, जनता देगी अपमान का जवाब। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में बात नहीं की, एससी एसटी पिछड़े वर्गों का संसाधनों पर पहला अधिकार की कही थी बात। राजस्थान के जोधपुर में कंगना रनौत ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा हिमाचल की चारों सीट कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के मुद्दों ने जनता थक चुकी है, वे सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। साउथ गोवा से कांग्रेस कैंडिडेट के विवादित बयान पर प्रमोद सावंत का पलटवार, बोले राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि क्या वे फर्नांडिस के बयान से सहमत है या नहीं। प्रमोद सावंत ने चुनाव आयोग से शिकायत की, फर्नांडिस ने कहा था गोवा पर जबरन थोपा गया भारत का संविधान। एमपी के गुलाबगंज में शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया, लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने मनोज झा और मुकेश साहनी के साथ किया रोड शो, बीमा भारती के लिए मांगा वोट। अमरोहा में कांग्रेस आप और सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली की मीटिंग के दौरान हुई भिड़ंत।